आप सब जानते हैं कि आतंक की जननी, दहशत की जननी जो हमारे पड़ोस में है, जो दुनिया भर में बदनाम है अपने सब जमीन से दहशत गर्दी चलाने और दहशत गर्द पैदा करने के लिए अलग अलग तरह की तंजीमों को लंबे अरसे तक पालने के लिए और आम जनता, बेगुनाह लोगों का दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के जरिए से खून बहाने के लिए इस बदनामी के दाग उनके चेहरे पे इतने लग चुके हैं कि अब वो छपाए भी नहीं छुपते और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये बदनामी के दाग जगह जगह चर्चा में आ रहे हैं। इसी तरह की इनकी वैश्याना, बुजदलाना, कायराना दहशत गर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। यहाँ पर बेगुनाह लोगों को अपने कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है और जहां का जो आपसी भाईचारा है लोगों का अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, उसको किसी न किसी सूरत में धक्का पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी नियत से, इसी गरज से पिछले कुछ अरसे से जम्मू प्रोविंस के एरिया में कुछ कार्रवाइयां दहशत गर्दी की अंजाम दी गई जो बिल्कुल कम्युनल लाइंस पे हैं, सेक्टेरियन लाइंस पे हैं और साथ ही साथ ये भी मकसद रखती हैं कि जम्मू में दम तोड़ चुकी जो दहशत गर्दी है उसको फिर से किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। कल डीआईजी रजौरी पुंछ रेंज ने जो वहां की पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही, जो आईडीज वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था उसको नाकाम किया गया। उसमें तीन लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशत गर्दी के आका, उनके इशारों पर रजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी डांगरी के इंसिडेंट के बाद, वो पूरे का पूरा ग्रुप पकड़ा गया। उसके बारे में तफसील, डिटेल कल आप लोगों को मिल चुकी है। आज हम जम्मू के नरवाल में जो दो आईडी ब्लास्ट 21 जनवरी को हुए थे उसकी डिटेल आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले जम्मू पुलिस को, एसएसपी जम्मू उनकी टीम को, एसपी साउथ, डीएसपी साहबान और एसएचओ और बाकी टीम के लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस केस को वर्कआउट किया और इस दहशतगर्दी की साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे उनको बेनकाब किया है। आप जानते हैं 21 जनवरी को रात को जो दो बॉम्ब लगाए गए, 20 की रात को, जो 21 की सुबह फटे रात को 7:30 बजे के आसपास पहला और फिर उसके बाद दूसरा, और दोनों आईडीज के बीच में 20 मिनट का वक्फा इस तरीके से रखा गया कि जब पुलिस के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर इमीडिएटली रश करते हैं, पहुंचते हैं तो उनका बड़े से बड़ा नुकसान किया जा सके। और पहले में जब दुकानें खुलें, लोग जो दुकानदार आसपास अपना काम कारोबार करने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। मगर पुलिस ने अपनी एसओपी का पालन करते हुए अच्छे का निशाना ये था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो मौके पर आए उनको टारगेट किया जाए, एसओपी का पालन करते हुए उस नुकसान को बचाया जा सका, वरना वो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि पहली आईडी छोटी थी और दूसरी आईडी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और इरादा यही था कि दूसरी आईडी ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान करे। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है जो रियासी का रहने वाला है।
और इसकी तफ्तीश और इंटरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है, मामे के जरिए इसके साथ रابطہ हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासम नाम का आदमी है वो भी रियासी का रहने वाला है, काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कासम ने लंबा अरसा पहले 19 में इसके साथ रابطہ साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी, एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे यहाँ पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी थैले के अंदर डाल के और 2 आईडी एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बार शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया या खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडी अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी, जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे जिसमें 450 ग्राम के करीब करीब एक्सपोजर मटेरियल रहता है और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था, टिफन आईडी थी, स्टील टिफन आईडी थी और जो अभी आईडी पकड़ी है मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। यहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक एक दहशतगर्द तंजीम को जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में यहां पर हिस्सा लिया उनके डोजियर तैयार किए और उन सब तंजीमों को जो दहशतगर्दी को जहां पर चलाते हैं उनको बैन करने की कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पर की गई। लगभग 1 दर्जन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अभी तक बैन किया गया है या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सम्मिलित होने के लिए नोटिफाई किया गया है कि ये दहशतगर्दी चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे ही लोग जो इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं 22 के करीब पिछले 2 साल के अंदर ऐसे लोग नोटिफाई किए गए हैं एज टेररिस्ट, वो कार्रवाई भी बराबर जारी है और उस कार्रवाई को भी आगे जिंदा रखा जाएगा। 2016 में रेगुलर टीचर बना, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पर पल भी रहा है और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। पता चला है कि इसको पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी, कटड़ा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ
रकम दी गई थी, और अभी जेआईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। अब ये देखिए कि किस हद तक ये चीज एक एक चंद टुकड़ों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, लोगों का नुकसान पहुंचाना, ये सही लगता है, मगर शर्म की बात है इसके लिए कि ये दहशतगर्द सरकारी मुलाजिम भी है। अब इसकी मुलाजिमत तो जाएगी जाएगी, इस केस में भी इसको अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। आज आपको मिलाने के लिए हम लोगों ने इस हादसे में जो लोग जख्मी हुए थे उनको भी लाया है, तो आप इस प्रेशर के बाद उनके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं कि उनके जज्बात, उनकी फीलिंग क्या है। और हम चाहते भी थे कि उनको जब इंसाफ मिले तो उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनके लिए कितनी ये जरूरी था। एडीजी जम्मू है मुकेश साहब, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये बहुत तकड़े टीम वर्क का नतीजा है कि ये केस वर्कआउट हो पाया, वरना ये केस इसलिए भी मुश्किल था कि इस बंदे ने अपने कपड़े तक जला दिए, कोई एविडेंस इसने छोड़ा नहीं। जूते भी जला दिए जो पहन के गया था, कपड़े जला दिए जो गया था, फोन अपना तोड़फोड़ करके आग लगा के उसको जला दिया। ये चाहता ही नहीं था कि कुछ सुराग वहां पर बचे, मगर जो जम्मू पुलिस की जो टीम लगी हुई थी उसकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने छोटे मोटे हर एविडेंस को खंगाल करके, हर छोटी मोटी लीड को आगे बढ़ा करके पहुंचते पहुंचते इस तक पहुंचे और इसको आखिर पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बारे में इतनी ही मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो सर, तो टोटल आप कितने बता सकते। लोग पकड़े गए हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कितने हैं? बताया जा रहा है 2 गवर्नमेंट टीचर हैं इसमें। अभी तो एक ही का है, उसके अलावा अगर कोई तफ्तीश आगे चलती है और किसी का इसमें आता है नाम तो तो सर देखिए पूरा पहले। स्कूल जो आईडी मॉड्यूल्स हैं उनमें से 4 लोग पकड़े गए हैं, राजौरी और जम्मू कुंडला। ये तीन वहां के देखें, जहां के देखें तो 4 हो गए। उसके अलावा आपको याद होगा कि तालुक का मॉड्यूल अगर देखें तो कितनी आईडीज में वो शामिल था, तो तालुक के मॉड्यूल में कितने लोग पकड़े जा चुके थे, वो भी तो आधा दर्जन के करीब। 5 लोग उसमें भी थे, तो तालब का मॉड्यूल भी आईडी का ही बेसिकली मॉडल था, जिस मॉडल के जरिए आपको जो ट्विन बस में ब्लास्ट हुए उधमपुर में आपको याद होगा, कोटरंका में जो ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा, एक शादी के दौरान किसी के घर में रजौरी में ब्लास्ट हुआ आपको याद होगा, तो वो कार्रवाइयां जो तालब के ग्रुप की थी।